मॉड्यूल जी, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल नीच, फर्स्ट वन टॉपिक। सेकंड जाओ, फटाफट बढ़ते जाओ, मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है, तो उसमें हम लोग रेगुलेट पढ़ेंगे, उसके बाद कन्फर्म पढ़ेंगे, उसके बाद माइग्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद सस्पेंड पढ़ेंगे, उसके बाद ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक जो कि हम दूसरे दिन करवाए थे। ये ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक क्या है कि कैसे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। उसी में एमेंसिलिज्म आ जाएगा, कॉमेंसिलिज्म आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म आ जाएगा, पैरासिटिज्म आ जाएगा एंड प्रीडेशन आ जाएगा। डैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही कुछ होगा, मैं इसको समझना है बारीकी से, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। देखो, इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल नीच का मतलब होता है ये यूनिक फंक्शनल रोल है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर रोल है। जैसे कोई एक स्पीसीज का एक रोल होता है, तो इकोलॉजिकल नीच का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आपका कोई फंक्शनल रोल है, एक कोई यूनिक है, खास है आपके लिए ही है रोल। नंबर वन पॉइंट एंड पोजिशन ऑफ स्पीसीज इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम में, एक हैबिटेट में जो जहाँ पाए जाते हैं उसका क्या पोजिशन है, उसका कौन सा स्टेज है, और साथ साथ उसका क्या फंक्शन है। जैसे टाइगर का देख लो, टाइगर का क्या फंक्शन है कि अपने जितने ही प्रेडेटरी स्पीसीज उसको कंट्रोल करके रखना, और वो पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, पाए जाते हैं हैबिटेट में, पाए जाते हैं और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, इकोलॉजिकल नीच है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या होता है, यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज एंड द यूनिक पोजिशन ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। फर्स्ट वन, नेचर में देखो बहुत सारे स्पीसीज है जिसके पास सेम हैबिटेट है, यानी कि फॉरेस्ट में बहुत सारे रह सकते हैं, एक डियर भी रह सकता है, मंकी भी रह सकता है, टाइगर रह सकता है एंड सो ऑन, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। क्यों, सभी प्राणी के अलग अलग फंक्शंस है, करेक्ट है ना। हैबिटेट तो सेम है, जैसे एग्जांपल फॉरेस्ट, मैं फंक्शन बात करेंगे, सबका यूनिक है यानी कि सबका डिफरेंट है। जैसे देखो एग्जांपल, जो यही हैबिटेट ऑफ स्पीसीज है, यानी कि एक स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज योर एड्रेस, बिल्कुल एड्रेस है जहाँ वो रहते हैं। तो वे रेस, यानी कि हैबिटेट, इसमें डिफरेंस बताना चाहे कि हैबिटेट और नीच में अंतर क्या है। कई सारे किताब में नीच को ही हैबिटेट बता दिया जाता है, मैंने ये पहले भी बात किया था क्लास में, मैं अंतर क्या है दोनों में। तो हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस, एक स्पीसीज कहाँ पाया जा रहा है, नंबर वन। दूसरा क्या है, नीच का मतलब होता है कि व्हाट इज इस प्रोफेशन, वो हैबिट में रहने के बाद अपने जगह पे इकोसिस्टम में जहाँ पाया जाता है उसमें उसका काम क्या है, यूनिक फंक्शनल रोल क्या है उसका, समझे। यानी कि एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पीसीज, क्या उसका नेतृत्व है, क्या उसका काम है उस हैबिटेट और इकोसिस्टम में, उसी को हम इकोलॉजिकल नीच कहते हैं, समझ गए बात को। और हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस, वो स्पीसीज कहाँ पाया जा रहा है। तो नीच क्या है, यूनिक है एक स्पीसीज के लिए, यानी कि नीच जो है वो एक यूनिक है, यानी कि मात्र एक स्पीसीज के लिए एक ही नीच हुआ, क्योंकि उसका काम है वो। जैसे टाइगर का नीच वही होगा जो टाइगर ही कर पाएगा, बाकी दूसरा नहीं कर पाएगा, इसलिए एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन इकोलॉजिकल नीच। क्यों, ओन प्रोफेशनल वर्क है, ओन प्रोफेशनल फंक्शनल रोल है, समझ गए बात को। देखो, और नीच इज अ यूनिक फॉर अ स्पीसीज व्हाइल मैनी स्पीसीज शेयर देयर हैबिटेट, जबकि बहुत सारे स्पीसीज सेम हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉरेस्ट कहा, नो टू स्पीसीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीच, ये गौर करने वाली बात है। दो अलग स्पीसीज कभी भी सेम नीच नहीं रह सकता है। हैबिटेट में तो बंदर भी आ गया और टाइगर भी आ गया, दो अलग स्पीसीज हुए ना, मन नीच सेम नहीं हो सकता है। बंदर का कुछ और रोल है, टाइगर का कुछ और रोल है, हैबिटेट सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, मैं इकोलॉजिकल नीच दोनों का अलग होगा, यानी कि प्रोफेशन फंक्शनल रोल दोनों का अलग होगा। दिस इज बिकॉज द कंपटीशन विथ वन एंड अदर, क्यों ना हो, क्योंकि कंपटीशन एक दूसरे से जद्दोजहद में लगा हुआ, जब जद्दोजहद में लगा रहेगा तो फंक्शनल रोल भी अलग हो ही जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले तुमको डार्विन थ्योरी का बताया था कुछ दिन पहले, कि जब जद्दोजहद होता है, कंपटीशन होता है, तो स्पीसीज ऑल टुगेदर डिफरेंट बन के निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जद्दोजहद क्या है, दुनिया में रहना है, सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करोगे तो डिफरेंट रोल बन ही जाएगा अपने आप में। जैसे देखो, तुम स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, एक कोई एम्प्लॉयड है, हम टीचर हैं, क्यों, सब जद्दोजहद में लगा हुआ है, तुम भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, क्या हो, बेटर फ्यूचर के लिए, तो कंपटीशन है, इससे क्या होता है, हम लोग का फंक्शन अलग अलग हो जाता है। और फिर स्टूडेंट के बीच में, एक दो स्टूडेंट के बीच में अलग अलग है, कोई किसी चीज़ के लिए कंपटीशन करता है, किसी कोई दूसरी चीज़ के लिए कर रहा है, तो क्या यूनिक फंक्शनल रोल हुआ कि नहीं हुआ। देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन विथ वन एंड अदर, कंपटीशन
स्पीसीज नीच इंक्लूड ऑल इट्स इंटरेक्शन विद अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट. कितना बढ़िया बोल रहा है. एक स्पीसीज का जो प्रोफेशनल वर्क है यानी कि जो नीच है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, इसके अंदर सभी इंटरेक्शन आ जाएंगे यानी कि इसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ आ जाएंगे जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है. यानी कि एक जब मैं रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं हवा का भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं पानी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन बींग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो यानी कि इकोसिस्टम का बात आया कि नहीं आया हमारा यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए. तो इसलिए लास्ट लाइन कहा जा रहा है, देखो, अ स्पीसीज नीच इंक्लूड्स ऑल इट्स इंटरेक्शन विद द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट. होप सो समझ में आ गया होगा. उसका देखो सिग्निफिकेंस, तो क्या सिग्निफिकेंस रहा फिर इकोलॉजिकल नीच इतना पर क्यों रहो, क्या इससे क्या पता चलता है. तो देखो, नीच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट्स वेरी प्ले क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्योंकि पता चल जाता है इसका काम ये है. जैसे देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का अपना काम है, हनी भी देखो अपना काम है. यदि एक हनी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा. इससे हमको पता चलता है कि यदि उसका रोल ये है तो कंजर्वेशन कितना जरूरी है. तभी ना IUCN का रेड लिस्ट जारी होता है. तब बोला जाता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कोई बोलता है इंडेंजर्ड है, कोई बोला जाता है वल्नरेबल है, एक लिस्ट वल्नरेबल है, सो ऑन. क्यों इसका बोला जाता है, क्योंकि वो जरूरी है स्पीसीज कंजर्व करने के लिए. अदरवाइज कंजर्व नहीं कर पाए तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए बोला जा रहा है कि नीच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द नीच ऑफ द स्पीसीज. तो हमको तो नॉलेज होना चाहिए किस तरह का काम करता है वो, तभी उसको कंजर्व कर पाएंगे हम. एंड शुड इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीड्स आर फुलफिल्ड. और हमें करने होंगे, और हमें ये अश्योर करना होगा कि जितने भी नीच रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनिज्म को फलने और फूलने में, वो सभी हम पूरा करेंगे, तभी कंजर्वेशन एफर्ट पूरा हो सकेगा और वो स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म बच पाएगा. क्योंकि इकोसिस्टम में सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से. तो इकोलॉजिकल नीच क्यों जानने की जरूरत है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. समझ गए, क्योंकि इकोसिस्टम इज ऑल टुगेदर इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. होप सो समझ में आ गया होगा. दैट इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल नीच. सेकेंड बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन. बताओ एडाप्टेशन, उस दिन भी बात हुआ था कि नहीं हुआ एडाप्टेशन. एडाप्टेशन मतलब क्या, कि अचानक हम इन्वायरमेंट में आए और इन्वायरमेंट हमारे प्रतिकूल नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो किस तरह ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडाप्ट करेगा वहाँ रहने के लिए. जैसे देखो सिंपल सी बात है, पहले तुम कहीं और पढ़ता था लेट से और यहाँ पे आया तो तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो एडाप्ट किया कि नहीं किया. जैसे हम दिल्ली में पहले पढ़ाते थे और यहाँ पे आए तो हम यहाँ के हिसाब से एडाप्ट किए कि नहीं किए. यस, हम एडाप्ट करेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. इसलिए चेंज तो लाना ही होगा, और ये चेंज केवल इंसान को नहीं हर ऑर्गेनिज्म को लाना पड़ता है, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर तरीके से. पहला तरीका क्या है देखो, तो पहले समझ लो कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन क्या है, कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल कंडीशन इन देयर हैबिटेट. यानी कि अपने हैबिटेट्स में, अपने एड्रेस में यदि स्ट्रेसफुल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ, स्ट्रेसफुल मतलब क्या, अनुकूल नहीं है, तो किस तरह का मैकेनिज्म वो लेगा. तो पहला वन क्या है, रेगुलेट करेगा. रेगुलेट क्या है, इट मीन्स मेंटेनिंग होमोस्टेसिस. होमोस्टेसिस क्या है, होमोस्टेसिस मतलब इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना. जैसे आदमी क्या है, आदमी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है कि कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है. यानी कि हमारा प्रेशर, हमारा जो अंदर का है वो हम खुद मेंटेन कर लेते हैं. यही कारण होता है कि जब ठंड लगता है तो थरथर थरथर कांपते हो कि नहीं कांपते हो, और जब गर्मी होता है तो पसीना निकलता है. क्यों, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए. समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने के लिए. तो होमोस्टेसिस का मतलब यही होता है, समझे. रेगुलेट का मतलब क्या है, कि हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. तो देखो वहाँ पे इट मींस मेंटेनिंग होमोस्टेसिस. नीचे देख लो होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, फ्यू ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन. बाहर से कुछ और कंडीशन आ गया, मान लो कि तुम्हारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दूसरा है, बाहर एकदम ठंड है, तो थर थर कांपोगे, स्वेटर पहनोगे, बहुत तरह पहनोगे ताकि बॉडी रेगुलेट रहे, तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन रहे. इसी प्रोसेस को हम होमोस्टेसिस कहते हैं. दिस कॉन्स्टेंसी कुड बी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. और कैसे, बाहर का यदि मैं बात करूँ तो टेम्परेचर के टर्म्स में हो सकता है, या ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है. ऑस्मेटिक कौन सा क्या है, वही तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन वाला चीज़ है. तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि रेगुलेट कैसे करती है एक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ योर होमोस्टेसिस. होमोस्टेसिस का मतलब क्या है, कि इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना विथ योर आउटसाइड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस इन्वायरमेंट. नंबर वन. दूसरा क्या है, कि
सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस, कर लेते जैसे ह्यूमन बींग है, विच इंश्योर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम लोग का बॉडी सेम रहे टेम्परेचर, बाहर हो तो उस हिसाब से हमारा बॉडी मेंटेन कर ले। यदि बाहर बहुत गर्मी है तो गंजी खोल देते हो कि नहीं खोल देते हो? यस, और स्वेट निकल जाता है, हमारा बॉडी रेगुलेट हो जाता है उससे। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू अदर ऑर्गेनिजम आर कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशंस, बहुत सारे मैमल्स कर सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे मैमल्स कर सकते हैं इस चीज़ को। प्लांट्स डू नॉट हैव द मैकेनिज्म टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, मतलब प्लांट्स के पास ये मैकेनिज्म नहीं होता है। ये हम लोग ब्लेस्ड है, फौना ब्लेस्ड है, समझे, फ्लोरा ब्लेस्ड नहीं है इस चीज़ को लेकर, समझे। डेट इज अ रेगुलेट, यानी कि रेगुलेट का मतलब क्या होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोस्टेसिस। होप सो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब क्या होता है, ऑल द प्लांट्स एंड मैनी एनिमल्स कैनॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन, सही बात है ना, कई लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी जस्ट बताया फौना नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो तुम जानते हो, जैसे पतझर बोलते हैं ना, जैसे कैक्टस, कैक्टस क्या है, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए लीव्स गिरा देगा, तो वो भी तरीका है ना उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को बचने के लिए। तो वही बोला जाए कि ऑल प्लांट्स एंड मैनी एनिमल्स कैनॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर, यदि बाहर का टेम्परेचर यदि चेंज हो तो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, उस केस में वो दूसरा तरकीब अपनाएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो देखो क्या है, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूड चेंजेस विद द इन्वायरमेंट वाटर ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का जो रहता है और उसका जो अंदर का रहता है वो यदि चेंज हो सकता है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, हम तो मेंटेन कर लेते हैं अपना, एक्वेटिक नहीं कर पाता है। सम स्पीसीज रेगुलेट बट ओवरऑल लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म, और उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा क्या बोला जा रहा है कि कुछ कुछ कर सकता है, मतलब जब बियॉन्ड लिमिट होता है तब नहीं कर पाता, उस समय कन्फर्म यूज़ होता है। और कन्फर्म कैसे हो रहा है, देखो जैसे डिसीडियस ट्रीज है, अपना लीव्स गिरा दिया ड्राई सीजन में, पतझड़ टाइम में ताकि बचने के लिए, वो कन्फर्मेशन है, वो कन्फर्म कर रहा है अपने आपको बचाने के लिए। तो होप तो समझ में आ गया होगा कि एडाप्टेशन में बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर रेगुलेट है एंड सेकेंड वन इज योर कन्फर्म है, होप सो। अब देखो थर्ड वन माइग्रेट है, देखो बेस्ट एग्जांपल है, आज तुम कांवड़ झील का बात करते हो बेगूसराय में, है ना, तो कांवड़ झील में भी तो तुम्हारा यही हो रहा है, माइग्रेट ही हो रहा है, ऊपर से माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा साइबेरियन रीजन में बहुत ठंडा पड़ रहा है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जैसे मौसम ठीक होता है फिर उड़ के चल जाते हैं, तो यही तो माइग्रेट होता है, खाली बर्ड्स के लिए नहीं, दूसरे चीज़ के लिए भी हो सकता है। देखो माइग्रेट क्या है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली, आई रिपीट टेम्पररली है जी, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो जगह उसके लिए परमानेंट है, फिर से लौट के चला जाएगा वहाँ पे। देखो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिट टू अ मोर हॉस्पिटेबल हैबिटेट एंड रिटर्न बैक व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर, यानी कि जब अचानक एक हैबिटेट में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आया तो वहाँ से छोड़ के वो दूसरी जगह चला जाएगा, और जैसे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ठीक हो गया, गर्मी आ गया, तो फिर रिटर्न होकर चला आएगा। और यही कारण है कि तुम कांवड़ झील में वेटलैंड में बहुत सारा देखते हो माइग्रेटरी बर्ड्स को, समझ गए ना, जैसे तुम्हारा सोशियबल लॉपिंग है तुम्हारा, जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, यानी कि यहाँ से आता है सेंट्रल एशिया से उड़ के आता है सेंट्रल इंडिया में, तो क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया मतलब क्या होता है जी, वेस्टर्न मतलब ये वाला गुजरात वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया, है ना, हम कह सकते हैं बस्टार्ड वाला, इंडियन बस्टार्ड वाला रीजन, उसमें भी आता है उड़ के, बिल्कुल। एक दिया है, बहुत हजारों है इसका उदाहरण, मैंने बोला है, तो साइबेरियन बर्ड उड़ के आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में वेट करता है, फिर ये नीचे जाता है साउथ अफ्रीका में जाता है, यहाँ तक जाता है, बहुत दूर से आता है, ऐसे करके आता है, नॉर्थ ईस्ट में रुकता है, फिर ऐसे करके यहाँ पे आता है, फिर बैक जाता है, समझे, डेट इज अ माइग्रेट। अब देखो सस्पेंड इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट एडेप्टेशन, सस्पेंड मतलब बॉडी ही सस्पेंड कर लेना, समझे ना, देखो इन सम प्लांट्स द सीड जर्मिनेट अंडर अ फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे गो इन टू द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, देखो इसका मतलब क्या होता है, समझो बात को, कई बार क्या होता है कि जब अनफेवरेबल, तुमने क्या किया, सीड को छेड़ दिया, ऐसे करके छिड़क दिया, हाँ हम अनफेवरेबल कंडीशन है, तो सीड कुछ नहीं, कुछ हरकत नहीं लेगा, वो शांत बैठा रहेगा, मत जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हुआ सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं डोरमेंसी स्टेज में जाना, क्योंकि वो नहीं पनप रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनुकूल कंडीशन ही नहीं है उस समय उसके लिए, तो वो डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। तुम लोगों को बोलते हैं ना जब डिबेट करवाते हैं, रोहित डोरमेंट स्टेज में तुम चले जाओ, तुम इसमें चले, मतलब तुम सस्पेंड हो गया अभी, हाँ इनएक्टिव स्टेज में चले गए, तुम हाइपरनेशन स्टेज में चले गए, हाँ समझ गए ना, उस स्टेज में तुम चले गए, ठीक है ना, समझो। यहाँ पे तो इन सम प्लांट द सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे गो इनटू द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, समझ में आया ना जी। अब देखो इसमें सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो इनटू हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एकदम ठंडा में सोया रहेगा, क्यों, नहीं तो ठंडा में एनर्जी लॉस हो जाएगा उसका। अब देखते हो सोते हो तो कितना एनर्जी, सुबह उठते हो तो एनर्जी रहता है कि नहीं रहता, यस, सोने से तुम्हारा एनर्जी रेगुलेट रहता है, समझे, जैसे कि रात को बहुत खेला कूदा इधर उधर दौड़ा, ठीक है ना, प्रपोज किया, थक गया, लेट्स, अब बहुत थका हुआ, दिमाग में अलग तनाव है, सो गया, सुबह उठा, ओहो चलो आज भी करेंगे क्या है, थकावट खत्म हो गया, फिर ऊर्जा मिल गया जब उठा तभी सवेरा है ना, उसके बाद फिर से करेंगे, क्या होगा, एक लाजुकता एक बार फिर खा लेंगे, है ना अभिषेक देखो कल एब्सेंट नहीं होगा तुम देखो अब हम लोग मजा लेने वाला आदमी लोग हैं, समझे ना, देखो सब एनिम, नहीं कल कैसे ऑफ होगा, को क्या यहाँ वैलेंटाइन डे मनाएंगे हम, क्या बात करते हो यार, तुम कल और लंबा क्लास चलेगा ना, देखो देखो व्यवस्था क्या होगा यार, कुछ व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा पढ़ाने का व्यवस्था है। देखो सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो इनटू हाइबरनेशन, इसी को बोलते हैं विंटर स्लीप, मैं बहुत सारी स्नेल्स हैं, बहुत सारे फिश है, वो एस्टिवेशन पीरियड में चलाते हैं, यानी कि समर के टाइम में सो जाता है, ताकि वो समर को अवॉइड कर सके और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो झेल सके। तो यानी कि विंटर स्लीप जाएगा तो उसको हाइबरनेशन कहेंगे, और समर स्लीप के लिए चला गया तो क्या बोलेंगे उसको, एस्टिवेशन बोलेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा, सस्पेंड होता है जी। तो मैंने ये चीज़ कवर कर दिया, यानी कि अभी तक मैंने क्लास में क्या क्या कवर किया है तो मैं बताना चाहता हूँ। इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टेशन का जानने का प्रयास किया, उसमें क्या क्या जाने, रेगुलेट जाने हम लोग, उसके बाद कन्फर्म जाने हैं, उसके बाद माइग्रेट जाने हैं, और उसके बाद सस्पेंड जाने हैं। अब ऑल टुगेदर न्यू डिफरेंट थिंग्स, अब नया करने वाले हैं कुछ। देखो रिलेशन एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, देखो इंटर स्पीसीज है, बात समझो, इंट्रा नहीं है, इंटर है, इंटर मतलब एक ऑल टुगेदर एक स्पीसीज है और दूसरा ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीसीज है, ये दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है तो देख लो, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, एमनसिलिज्म हो सकते हैं, सेकेंड देखो कमनसिलिज्म हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म हो सकते हैं, पैरासिटिज्म हो सकते हैं और प्रीडेशन हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिविल सर्विस में ये सब चीज़। देखो क्या है इसमें, क्या है क्या, देखो वन स्पीसीज हार्म्स और रिस्ट्रिक्स द अदर स्पीसीज विदाउट इटसेल्फ बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड और हार्म बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, बोल रहा है इसमें कि एक जो स्पीसीज होते हैं वो हार्म करते या रिस्ट्रिक्ट करते दूसरे स्पीसीज को, मगर जैसे ए बी स्पीसीज को हार्म कर रहा है तो ए को कोई दिक्कत नहीं होता है, ए को कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत किसको होता है, केवल बी को दिक्कत होता है, उसी को एमनसिलिज्म कहते हैं, बात समझे। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल देखो ब्रेड पे, कभी ब्रेड को छोड़ देते हो तो ऊपर उसके ऊपर येलो कलर का लग जाता है ना, फंगस लग जाता है ना, उसको फंगी पेनिसिलियम बोलते हैं, वहाँ से पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है, वो एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस है जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया को और प्रोवाइड करता है ग्रोथ करने के लिए, ये एग्जैक्टली तुम्हारा एमेंसिलिज्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि एक क्या कर रहा है, दूसरे के ग्रोथ को रोक रहा है और उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सिंपल दूसरा देखो, एक उससे भी बेस्ट तुमको ये समझ में आ जाएगा, एक लार्ज तुम्हारा क्या है कि एक ट्री है और जिसका परछाई नीचे छाया हो, देखो लेट से मेरा परछाई वहाँ पे छाया हो, देखो हम ट्री है लेट से और वहाँ मेरा परछाई है, तो हमको क्या मतलब है, नीचे मान लो कि वहाँ पे एक छोटा पैर है, ठीक है ना, अब हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, क्यों, क्योंकि यदि परछाई है तो वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए, यानी कि हम असर नहीं किए, हमको कोई असर नहीं हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मगर मेरे इंटरफेरेंस के वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया, हार्म हो गया दूसरा स्पीसीज, यानी कि हम सुरक्षा में है, ए कोई दिक्कत नहीं है, बी को दिक्कत है ए की वजह से, तो इसी को बोलते हैं एमेंसिलिज्म, यानी कि रामानंद जी कहा होगा ये ए क्या है, जीरो है, जीरो न्यूट्रल है, अगला वाला माइनस है, जीरो माइनस,
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए आप, होप सो समझ में आ गया होगा ये। कॉमेंसलिज्म, देखो इन दिस रिलेशन वन ऑफ द स्पीसीज बेनिफिट्स एंड वाइल द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। इसमें क्या बोला जाए कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, मगर दूसरे स्पीसीज को ना हार्म्ड होता है ना कोई बेनिफिट होता है। जैसे देखो वो कौवा वाला जो था, वो जो बोल रहे दरवाने जी, वो काऊ वाला, ठीक है ना, काऊ वाला थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो कि सम स्पीसीज ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ शेल्टर और ट्रांसफर फ्रॉम द अदर स्पीसीज। जैसे देखो ये बहुत बड़ा मछली है, लेट्स से, और मछली के ऊपर एक मछली छोटा मछली बैठ गया, तो बड़ा वाला मछली को तो कोई फायदा नहीं है ना कोई नुकसान है, मगर छोटा वाला मछली को तो फायदा हुआ क्योंकि लंबा यात्रा दूर कर लिया। वो ऐसे जाता तो रेंगते हुए कितना टाइम लगता उसको, और बैठ के हवाई यात्रा कर रहा है नीचे पानी के अंदर। मैं एक को फायदा हो गया, एक को फायदा हुआ, तो वही बोला कि इन दिस कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें वन ऑफ द स्पीसीज बेनिफिट्स वेल अदर स्पीसीज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड, ना उसको दिक्कत हुआ है ना कोई फायदा हुआ है, मगर दूसरे स्पीसीज को बी को फायदा हो गया। तो क्या होगा, जीरो प्लस, उसमें जीरो माइनस, इसमें जीरो प्लस। सम स्पीसीज ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ अ शेल्टर और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अनदर स्पीसीज, फॉर एग्जांपल सकर फिश है, रोमेरा ऑफन अटैच, यानी कि जो रोमेरा जो है तुम्हारा ऑफन अटैच टू अ शार्क, बड़े वाले है, ठीक है, सकर से हो जाते हैं और उसके हेड पे बैठ जाते हैं, इससे क्या होता है प्रोटेक्शन मिल जाता है रोमेरा को और फ्री राइड आराम से अपना उड़ के चल रहे हैं, शार्क के ऊपर चल रहे हैं। द शार्क डज नॉट हाउएवर गेट, शार्क को कुछ फायदा नहीं मिलता है ना कोई एडवर्सली इफेक्ट होता है, शार्क एकदम मजे में है, शार्क भी कोई दिक्कत ही नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं है वो मास, छोटा सा मास। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कंपनसिलिज्म का, एक ट्रीज और एफआईटिक प्लांट्स। अब देखो एफएफाइट्स जो तुम्हारा होता है लिव ऑन द सर्फेस ऑफ लार्जर प्लांट्स, ये लार्जर प्लांट्स के ऊपर रहता है, ट्रीज के ऊपर रहता है, एंड यूज द सर्फस। अब देखो ये तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है रामानंद जी, याद होगा बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मैं बात करूं तो बड़े बड़े होते हैं कि नहीं होते पौधे, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ कंपटीशन चल रहा है सनलाइट को लेके, इसलिए तुमको बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। फिर तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स मतलब क्या, ऐसे ऐसे करके घूमने वाला, ऐसे ऐसे लकड़ी की तरह होता है, रोप की तरह, ये क्या करते हैं इसके सहारे, इसके ट्रंक के सहारे ऐसे ऐसे रोटेट करके ऊपर चल जाते हैं सनलाइट लेने के लिए, तो इसको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, इस बड़े वाले ट्रीज को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं ये वाला जो एपीफाइट्स था उसको तो फायदा हुआ और वो घूमते घूमते ऊपर चला गया, सनलाइट उसको मिल गया। तो वही बोला जा रहा है कि एपीफाइट्स लिव ऑन द सर्फेस ऑफ लार्जर प्लांट्स एंड ट्रीज, देखो वहाँ पे, एंड यूज देयर सर्फेस फॉर सपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग सनलाइट एंड मॉइस्चर। होप सो समझ में आ गया होगा। द ट्रीज गेट नो बेनिफिट, ट्री को तो कोई फायदा नहीं मिला उसको संरक्षण देखे, तो इसलिए वो ना बेनिफिट हुआ ना हार्म्ड हुआ, मगर जो एपीफाइट्स था वो तो फायदा हुआ उसको। तो ये क्या रिलेशन हो गया, जीरो प्लस का। होप सो समझ में आ गया, यानी कि ए जीरो है, बी क्या है, प्लस में है। तुमको समझ में आ रहा है कुछ अभिषेक? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब ही क्या, दोनों को बेनिफिट हो, है ना, ये क्या क्लोज एसोसिएशन है टू स्पीसीज के बीच में, जहाँ पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, जैसे मान लो कि ऑक्स पैकर है, एक बर्ड है, ठीक है, और एक राइनोसरस है और एक जिब्रा है, लेट्स से, ठीक है, ऑक्सोपैड्स जो बर्ड है वो राइनोस के इस पर बैठता है या फिर जेब्रास के ऊपर बैठता है, तो वहाँ पे टिक्स खाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अभी तुम देखोगे तो काऊ, काऊ 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 के ऊपर ये रहता है ना दाना दाना टिक टिक रहता है, क्या बोलते हैं, जू जू टाइप का, ठीक है, लाइस, हाँ, तो लाइस को खाएगा बर्ड, तो बर्ड को भी बहुत फायदा हुआ कि उसे मिला उसको एनर्जी, और साथ साथ काऊ को भी फायदा हुआ कि जिसके वजह से उसका बीमारी हो सकता है या जिसके वजह से उसको हार्म हो सकता है उसको हटा दिया, तो दोनों को फायदा हो गया ये, समझे बात को? तो वही बोला जा रहा है कि जो बर्ड है वो राइनोस के बैठता है पीठ के पीछे, जिब्रा के पीछे, और क्या करता है वो टिक्स और अदर पैरासाइट्स को खाता है जो कि स्किन में अटैच रहता है, तो ऑक्सफेयर के फूड भी मिल गया और एनिमल क्या है वो पेस्ट कंट्रोल हो गया, एनिमल का जो टिक्स पड़ा हुआ था है ना वो पेस्ट खत्म हो गया उसका, तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, इसलिए हम इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब देखो हाउएवर सम, आप देखो ये म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का हद पार भी हो सकता है, इंटेंस म्यूचुअलिज्म भी जा सकता है, जिसको सिम्बोटिक म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, इतना हाँ बिल्कुल, जैसे हम दोनों हो गए, जैसे हम और रामानंद जी या फिर सभी स्टूडेंट सब म्यूचुअलिज्म है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, आप सर्विस ले गया और हम सर्विस दे रहे हैं तो हमको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, म्यूचुअलिज्म एक दूसरे से जुड़े हैं, आपके बिना हमारे अस्तित्व नहीं है, हमारे बिना आपका अस्तित्व नहीं है,
यही है। अब हम कहे बोलते कि हमारे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है, सिम्बोलिक है ना। एक टीचर कब बनता है, स्टूडेंट वाइज बनता है। स्टूडेंट नहीं रहे तो टीचर का कोई मतलब नहीं है, वो भुगते रह जाए, कोई सुनने वाला नहीं है उसका, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो यही बात होता है। देखो हाउएवर सम, मगर देखो कुछ कुछ म्यूचुअलिज्म इतना हद तक होता है कि बाबू दोनों इतना अटैच हो गया कि एक दूसरे से बाहर करोगे मर जाएगा, समझ रहे हो ना, एक दूसरे से हटाओगे तो मर जाएगा। वही तुम्हारा ये वाला कोरल लीफ वाला एग्जाम्पल है। तो देखो कि हाउएवर सम म्यूचुअलिज्म आर सो इंटीमेट दैट द इंटरैक्टिंग स्पीसीज कैन नो लॉन्गर लिव विदाउट ईच अदर, इतना ज़्यादा एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए हैं। सो दे डिपेंड टोटली ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, एक दूसरे यानी एक को भी हटा दोगे तो मर जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो क्लोज एसोसिएशन, इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बोसिस कहते हैं। पहले ही मैंने बताया सिम्बोसिस मतलब सिम्बोटिक, सिम्बोटिक म्यूचुअलिज्म है ये, ठीक है। जैसे कोरल और जूजेंथेलिया है तुम्हारा, कोरल और जूजेंथेलिया क्या है तुम्हारा, जूजेंथेलिया क्या है, एल्गी है जो प्रोवाइड करता है, कलर देता है उसको, और उसके बाद उसको स्केलेटन से वो तुम्हारा कैल्शियम देता है। तो दोनों का क्या है, सिम्बोटिक रिलेशन है। कोरल रीफ इसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जो कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी बन जाता है। कोरल रीफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ जाइए। पैरासिटिज्म यानी कि क्या हो रहा है मैंने जी, ये म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया, प्लस 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 पैरासिटिज्म। इसमें क्या कि वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर बेनिफिट, एक स्पीसीज बर्बाद और एक स्पीसीज फायदा, यानी कि क्या हुआ प्लस माइनस, या माइनस प्लस, जिसको नुकसान हो रहा है माइनस, जिसको फायदा हो रहा है प्लस। इसमें क्या होता है, पैरासिटिज्म इन्वॉल्व्स पैरासाइट यूजुअली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन और अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल द होस्ट फ्रॉम विच पैरासाइट गेट्स इट नरिशमेंट एंड ऑफन शेल्टर। अब बोला है कि देखिए पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, जो पैरासाइट है, छोटे छोटे जो फ्ली होते हैं, टीक होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ठीक है, होस्ट के ऊपर रहते हैं, और वहीं से उसको शेल्टर मिलता है, सभी चीज़ नरिशमेंट मिलता है। मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स बैक्टीरिया एंड वायरस पैरासाइट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या है ये चीज़, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आपके जो पैरासाइट्स हैं दे गेट, जैसे एग्जांपल क्या है, मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स बैक्टीरिया एंड आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सभी चीज़ में क्या पैरासाइट्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का। तो कहने का मतलब क्या, सिंपल देखो 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 सिंपल देखो, जैसे कि ये देखो जू, देखो मेरे सर में लेट से जू है यहाँ पे, तो क्या हुआ पैरासाइट्स हुआ कि नहीं हुआ, कि जू यहाँ पे है ये बेनिफिट है, हमको नुकसान है, क्या कि भाई हमारा खा रहा है खून, तो पैरासिटिज्म हो गया ये, यस करेक्ट, तो ये पैरासिटिज्म है। लास्ट देखो प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या है, देखो पैरासिटिज्म में तुमको तुरंत आ जाएंगे कि पैरासाइट का बात होगा, इसमें टीक का बात होगा, इसमें फ्ली का बात होगा। अब प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन मतलब होता है कि वही प्रीडेटरी मैकेनिज्म वाला बात है, एक को मारेगा तो दूसरा खाएगा। तो प्रीडेटर जैसे होते हैं कि लियोपार्ड है, टाइगर है, चीता है, वो अपने स्टीथ अपने स्पीड को, अपने टीथ को और अपने क्लाव वाले इतना मुंह जबड़ा जो होता है उसका यूज़ करके हंट करता है और प्रे को मारता है, एनिमल्स को मारता है, वो खाता है, ठीक है। देख कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और जो तुम्हारा जो पॉपुलेशन है प्रे जो शिकार है उसका पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बहुत ज़रूरी है। जैसे डियर का पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, विदाउट प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन। मगर यदि प्रीडेटर ना हो तो क्या हो, प्री यदि टाइगर ना हो, लियोपार्ड ना हो, चीता ना हो, तो ये तो बहुत बढ़ जाएगा ना, डियर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, हो सकता है इकोसिस्टम को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर दें और इनस्टेबिलिटी आ जाए इकोसिस्टम में। तो ये सभी ज़रूरी है। तो मैं फिर से बता दूँ, मैंने कंप्लीट कर दिया आज क्लास, मगर मैं फिर से बताना चाहता हूँ सिंबल के तौर पर। एमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज, बार बार रिपीट करूँगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या कि एक स्पीसीज हार्म या रिस्ट्रिक्ट करता है दूसरे स्पीसीज को विदाउट बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल जीरो और दूसरा क्या है तुम्हारा नेगेटिव, क्यों दूसरे को हार्म कर दे, यानी कि एमेंसिलिज्म जीरो और नेगेटिव। दूसरा देखते कमेंसिलिज्म, इसमें क्या है कि एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है दूसरे को क्या हो रहा है तुम्हारा ना कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो प्लस। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस। प्रीडेशन मतलब क्या हुआ, एक को प्लस एक को माइनस, आदमी को माइनस पैरासाइट को प्लस, और इसमें भी प्लस माइनस। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में अंतर यही कि पैरासिटिज्म में तुम्हारा पैरासाइट्स होंगे और प्रीडेशन में क्या होगा तुम्हारा सब बड़े बड़े एनिमल्स होंगे, ये अंतर है दोनों में। आखिर प्लस माइनस ही है दोनों में, लॉस। हाँ, पैरासिटिज्म में जो वर्ड बोल रहा है पैरासाइट से रिलेटेड है। होप सो समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास।